Hello friends, and once again we are taking up the key questions with respect to ethics, and also we'll try to understand what kind of elements we can add, what we can subtract, and basically by being honest and by being natural with it, हमें उससे पता लगना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं. There is a subtle difference between general studies questions and ethics questions, and ethics questions also based upon the rest of the syllabus of general studies and overall approach and the application of thought matters. तो नेशंस मस्ट इनकॉर्पोरेट मोरालिटी इन देयर क्लाइमेट एक्शन फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल कार्बन स्पेस. इन दिस लाइट ब्रिंग आउट एंड डिस्कस एथिकल डायमेंशन इन इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड कमिटमेंट्स. यानी कि इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान और जो उसकी कमिटमेंट है उसके भी सिर्फ एथिकल डायमेंशन को देना है. तो मैं यहाँ पर पहले कोट ही देता, वेदर द कोट वुड हैव बीन लाइक यू नो with respect to nature I would have given, or with respect to even Vedas, with respect to even the kind of geographical cultural element that we had in India since ancient times, kuch bhi ek deta lekin ek de deta, because the question is demanding Indian climate action plan and commitment. How Indian climate action plan and commitment is having ethical dimensions which are very natural, and they are integral to a whole Indian understanding and the landscape. Anyways, global carbon space mitigation needs cooperative attitude. तो cooperative attitude चाहिए, ठीक है, India leader है, तो spirit of justice है, तो just transition चाहिए, बात बिल्कुल सही है, not phase out of coal, लेकिन जैसा हमने कहा पहले भी चर्चा की है, proactive publication of NDC, that is the adherence to 175 gigawatt renewable target, ये भी बात सही है, लेकिन इनके भी ethical आप dimension जो लेके आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे. empathetic attitude आपने कहा, empathy वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, लेकिन साथ साथ में जो है कैसे जो हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल लिविंग है, या हमारे यहाँ पे इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग है, या हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो बीइंग यू नो जैसे साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भी भूखा ना जाए, सच काइंड ऑफ जो हमारा एक वे ऑफ लिविंग है, या फिर जो मतलब कि बस कण कण में प्रभु बसे हैं, और द काइंड ऑफ एथिकल एंड द काइंड ऑफ रिलीजियस एलिमेंट दैट वी सी एंड दैट हेल्प्स अस टू बीइंग विद द नेचर, वो भी एक आध एलिमेंट आप लेके आ सकते हो. बाकी तो यू आर ट्राइंग एंड इट इज कमिंग अप, जो कि एथिकल एलिमेंट है उसका सिंपल तरीके से आ रहा है, बट इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर फोर्सफुल डायरेक्शन, जिसमें आप बड़े कोट्स या बड़े टर्म्स अगर लेके आएंगे इसी में, जैसे लाइफ मिशन आई वॉज जस्ट अबाउट टू से, बस इसको एक जगह नहीं फंसाना है, उसको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में आप जैसे तोड़ रहे हैं, तो आई थिंक इट इज कमिंग अप वेल, कीप ऑन मूविंग विद इट. ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन बोथ आर कंसिडर्ड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर अ सिविल सर्वेंट. ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन दे आर द फाउंडेशनल वैल्यू. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट टू बैलेंस दीज वैल्यूज, सो व्हाई इट इज आस्किंग, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स, जहां पे ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिस की विदाउट कंपैशन के, जहां पे ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन जो है दोनों बैलेंस हो गए. सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन के साथ भी आप यहाँ पर कोई कोट लेके आ सकते थे. कैसे आप लेके आ सकते थे, कोई केस स्टडी लेके आ सकते थे, आप प्रधानमंत्री सिविल सर्विस अवार्ड की बात कर सकते थे, या कोई आप बहुत इंडिया का जो बड़ा कोई इवेंट हुआ है उस इवेंट में कैसे सिविल सर्विसेज एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हुए, चाहे वो COVID-19 का हो, चाहे वो उससे पहले का हो, चाहे कोई वॉर हो, चाहे फिर वो डिजास्टर रिलीफ हो, चाहे फमाइन हो, और चाहे फिर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हो, इट इज द ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन which had actually helped us to even make successful big work like Aadhaar, or even UPI का भी जो evolution India में हुआ है, that is an example कैसे civil services का उसमें role रहा है. Administration is very important, अगर India hub बन जाता है financial fraud का, India hub बन जाता है अगर उस चीज को systematic तरीके से put up ना करने का, so it comes from the top, तो political willpower, then administrative acumen, और उसके साथ साथ उसको ऑब्जेक्टिविटी से फ्लो करना, उस आइडिया से आप बोल सकते हैं कि आंसर कैन बी कमिंग अप. ऑब्जेक्टिविटी इज फैक्ट डेटा बेस्ड डिजायर डिसीजन मेकिंग, वेयर कंपैशन इज शेयरिंग कंसर्न, बिल्कुल ठीक बात है, एक बेसिक है बिल्कुल. वोकैबुलरी इज इंप्रूविंग, सो कीप ऑन ट्रैक विद दैट, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस. व्हाई यू हैव टू मेक श्योर, सो इट शुड बी कमिंग अप वेरी प्रिसाइसली, इट शुड बी कमिंग अप वेरी शार्पली. ऑब्जेक्टिविटी बार बार सेम टर्म्स को लाने की कोशिश मत करिए, उससे आंसर का जो धार होती है, जो आंसर की जो क्राफ्टमैनशिप होती है वो उससे जो है ब्लंट हो जाती है. सो ऑब्जेक्टिविटी कम कंपैशन इंश्योर्स नॉन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इन केस वेयर एज ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड, इट शोकेसेस ह्यूमन गवर्नेंस सिस्टम रादर देन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन नहीं होगा, अगर वो पहली बात तो पूछ रहे क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है कि उसके बिना आप वेलफेयर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर ही नहीं सकते.
आप उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते। यू नो यू हैव टू ब्रिंग सच बिग एंड सिंपल एलिमेंट, और उसके बाद आप जो बोल रहे हैं बोल सकते हैं। जैसे दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, नॉन आधार ऑथेंटिकेशन, नॉन पीडीएस कार्ड डेथ इन झारखंड कल आया था। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी एट एनपीसीआईएल एयरपोर्ट केस वेयर ऑब्जेक्टिविटी इज ठीक है। यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द आंसर विद ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी, बट थोड़ा उसके अंदर और कॉन्फिडेंस, थोड़ा उसके अंदर और क्वेश्चन, थोड़ा उसके अंदर एक ब्रॉड एलिमेंट, थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, वो आंसर को और भी अच्छा लेके आएगा। आगे चलिए, द नोशन ऑफ पंच तत्व एंड नेचर एज गॉड इन द इंडियन सिविलाइजेशन ऑलवेज शोन द एथिक्स एंड मोरालिटी। शुरुआत में ठीक है एलिमेंट, अगर बहुत ज्यादा भी ऐसा एलिमेंट आ जाएगा देन इट्स अ प्रॉब्लम। एथिकल डायमेंशन इन इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंड पॉइंट ऑफ कमिटमेंट ठीक है, डायरेक्टली आपने हिट किया। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सेटिंग नेट जीरो एमिशन, क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जाम्पल कैंपा एक्सेट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉम्प्टनेस इन क्लाइमेट एक्शन, टाइमली लेट डाउन ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एट ग्लोबल लेवल, फोकस ऑन 3 आर। तो 3 आर साइक्लिक इकोनॉमी में बताइए क्या होता है 3 आर, ज्यादा कोडेड और ज्यादा एक्रोनियम्स नहीं लिख सकते। टारगेटिंग 33% फॉरेस्ट कवर एंड क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, फोकस ऑन ट्रांजिशन क्लाइमेट फ्रेंडली अप्रोच एंड अपहोल्डिंग इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो एक स्टैंडर्ड तरीके से आने लगा है सारा सारा एलिमेंट, लेकिन हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कैसे जोड़ना है, उसको कैसे उसके चैलेंजिंग एस्पेक्ट को हल्का सा हाईलाइट करना है, यही एक टॉपर के आंसर तक आपको लेके जाता है। जी एफ आई पी सी सी लीडरशिप बाई क्रिएटिंग लेस एंड डैमेज फंड एट COP27 इजिप्ट, हैंड अप्रोच इन सपोर्टिंग वल्नरेबल कंट्रीज विद CDRI, पंच अमृत एंड लाइफ मिशन टू रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल क्लाइमेट स्पेस। तो ठीक है, लेकिन एक ही धारा में आंसर आ रहा है, एक ही नैरेटिव फॉर्मेट में आंसर आ रहा है, अच्छा आंसर है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव एलिमेंट, थोड़ा सा और ट्विस्ट आता तो और भी अच्छा हो सकता था। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द वर्क प्रोफेशन विद नो जनरलाइजेशन एटीट्यूड। कंपैशन सिग्निफाइज एम्पैथेटिक एटीट्यूड टू वर्क एट द ग्राउंड लेवल एंड प्रोवाइड प्रोवाइड केयर हेल्प एक्सेट्रा। बोथ द एलिमेंट्स आर ऑन ट्रैक, दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, चलिए हायर ऑब्जेक्टिविटी विद मिनिमल कंपैशन जनरली एलिनेट्स द, उससे पहले उसने वाई पूछा है, उसके बाद पूछिए ये बात, तो सेंस ऑफ एलिनेशन एरोगेंस व्हिच प्रिवेंट्स पीपल टू गवर्नमेंट कनेक्ट। लेकिन उससे होगा क्या, वही बात है ना कि पीपल वॉन्ट, दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल, मेकिंग जो लोग अपने लिए खुद नहीं कर सकते हैं, सरकार उनके लिए करती है। द गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एवरीबॉडी इज नॉट कैपेबल इनफ, और सोसाइटी में एक ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है, सोसाइटी में एक ऑर्डर चाहिए, सोसाइटी में एक रूल चाहिए, सोसाइटी में एक सिस्टम चाहिए, तो उसी लिए सरकार आती है, इसीलिए जरूरी है। हायर कंपैशन विद लोअर ऑब्जेक्टिविटी अमाउंट्स टू एक्शन बाई सिविल सर्वेंट बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन कंडक्ट, ठीक है, लेकिन थोड़ा जार्गन है, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिस विदाउट कंपैशन, सुप्रीम कोर्ट जज रूलिंग टू इंडियन रेलवे टू रिमूव स्लम्स नियर द ट्रैक्स टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज। आप खुद ही उनको इलीगल एक्टिविटीज कह रहे हैं, तो इट इज नॉट विदाउट कंपैशन, नो यू कांट से दैट। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज मोस्ट कंपैशनेट वंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। तो ये अपने आप में ये एग्जाम्पल पूरी तरह से सुटेबल नहीं है। हम अगर कहें त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब्रप्टली रैथ ओवर मैरिज पार्टी एंड शोड नो कंपैशन टू इवन लेडीज एंड सीनियर, तो ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन ब्लेंडेड टुगेदर, ठीक बात है। 2020 अमृतसर ट्रेन लोको पायलट हु स्टॉप्ड हिज ट्रेन एक्सीडेंट डिस्पाइट पब्लिक रायत बट शोड ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन आर्मी विच मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी इन इट्स ऑपरेशन बट शो कंपैशन टू टेररिस्ट हु गेट कॉट इन क्रॉस। अब ये एग्जैक्टली आपको कैसे पता है कि आप टेररिस्ट से कंपैशन नहीं शो करते, वो ह्यूमैनिटी और जो जो हमारा जो उनके साथ जरूरी है, लेकिन कंपैशन तो एक मतलब बहुत ही वैल्यू लोडेड स्टेटमेंट है। तो हम टेररिस्ट के साथ कंपैशनेट नहीं है, हम टेररिस्ट एज ए ह्यूमन के साथ कंपैशनेट है। नो इंडियन आर्मी, नो इंडियन सिटीजन, नो गवर्नमेंट, नो एडमिनिस्ट्रेशन कैन एवर शो कंपैशन टू टेररिस्ट। वी आर ओनली कंपैशनेट टू देम सो एज टू सी देम एज ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट एज अ टेररिस्ट। तो सिविल सर्वेंट शुड नॉट बिकम रॉबर्ट रादर रियल सर्वेंट। तो ठीक है, ये थोड़े से शब्द वैसे ही हैं, कोई बात नहीं। एथिकल डायमेंशंस इन इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एंड कमिटमेंट, चलिए आगे। कार्बन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड मोरालिटी, बैलेंस रिक्वायर्ड कॉम्बैट, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इट इज अ स्टैंडर्ड वन। इक्विटेबल एंड फेयर एनर्जी ट्रांजिशन इज आल्सो वेरी गुड, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई लाइक दीज टर्म्स एंड आइडियाज, ये एथिकल डायमेंशन को भी शो कर रहे हैं। ऑलवेज लर्न द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज एथिक्स पेपर बाई हार्ट, तो आप और अच्छा लिख पाओगे, बट दिस आंसर डेफिनेटली इज मच मोर स्पेसिफिक एंड हैविंग सर्टेन एलिमेंट्स विच वी कैन से दे आर रिफ्लेक्टिंग द आइडियाज ऑफ बोथ एथिक्स एंड ऑल्सो ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3।
तो कार्बन बजटिंग, एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस, फोकसिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एनवायरमेंट एथिक्स, ऑल दीज आर गुड पॉइंट्स, इम्पार्शियलिटी, बिहेवियरल चेंज. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड आंसर्स दैट व्हाट वी कैन से. बेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इट डेफिनेटली गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक. ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन बोथ आर कंसिडर्ड फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट. तो क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए, वही बात. एजुकेशन ऑफ माइंड एंड एजुकेशन ऑफ हार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, पीवी संधु ऑल बोथ इंडल्ज बाई हर कोच, बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, लेकिन अच्छी शुरुआत की लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है. तो बैलेंस चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट, रीजंस, गुड गवर्नेंस मॉडल, इम्पार्शियबिलिटी एंड वेलफेयर, गुड थॉट बिहेवियर, गुड. तो सिंपल टर्म्स हैं, क्लियर टर्म्स हैं. आगे चलिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनलिटी ऑफ केस, पुलिस, ऑब्जेक्टिविटी, जज ऑब्जेक्टिविटी, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ओके. विदाउट बींग कंपेशनेट, ओनली गोल इज टू जस्टिस विच रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिविटी, ओके. ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपेशन, आर दे आर इफ दे आर ब्लेंडेड टुगेदर देन ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आधार, राशन कार्ड, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, देर आर गुड एलिमेंट्स एंड गुड पॉइंट्स, एंड आंसर इज गेटिंग ऑन ट्रैक, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड. इंडिया एम्बिशियस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अर्ली मिटिगेशन प्लान, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट, इंडियन पॉलिसी एक्शन प्लान, जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिविटी. चलिए आगे, थोड़े और छोटे हो सकते थे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्मॉल हो सकता था. तो इंक्लूसिविटी, एम्पैथी, जस्टिस, रेक्टिट्यूड, रेशनैलिटी, ऑल दीज आर वेरी गुड एलिमेंट्स, लेकिन उसके अंदर जो हमने लिखा है उसको और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम लिख सकते थे. तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑल ऑफ देम वुड हैव स्कोर्ड अस अबव एवरेज स्कोर, अबव एवरेज मार्क्स, बिकॉज द आइडियाज आर करेक्ट. और एलिमेंट्स को थोड़ा सा और वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, जनरलाइज वोकैबुलरी से हम बाकियों से कंपीट नहीं कर पाएंगे. सो ऑब्जेक्टिविटी इज एन एक्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, इशू और मैटर. इट प्रोवाइड्स की आइडियाज, हेल्प टू रिजॉल्व एनी इशू और एनी पॉइंट. ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया. कंपैशन पर्सनल बिहेवियर नहीं है, कंपैशन देयर कंपैशन इज द पब्लिक वैल्यू ऑल्सो. एंड इसमें भी थोड़ा छोटा और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी से होना चाहिए था. दोनों को बैलेंस जब हम करते हैं तब हम देखते हैं कि हारमोनी जो है दोनों में मेंटेन जो लिखा भी गया है. ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिस विदाउट कंपैशन का एग्जाम्पल दिया कि इशू इज नोन टू द अथॉरिटी कंसर्न, और वो अगर ठीक से ना किया जाए देन वन कैन से, फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली गवर्नमेंट बैन क्रैकर, दिस वॉज नोन टू एवरी वन, लेकिन जो दिवाली की नाइट को क्रैकर्स हुए, तो ये इसमें मतलब इट्स अ वेरी बिग इशू. और इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, इसमें कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है. कंपैशनेट लोगों को भी होना पड़ेगा एनवायरमेंट के लिए, वरना अकेले रूल ऑफ लॉ से नहीं होने वाला. ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन एक्टिंग टुगेदर, स्मॉल एक्ट्स ऑफ डोनेशन, कम्युनिटी सर्विस, हेल्पिंग द नीडी पीपल. और ऑब्जेक्टिविटी से बताते हैं, एनजीओ का नाम बताओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बताओ, कोई इश्यू बताओ, तो उससे आपका आंसर और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा. जैसे आपने बाद में यहाँ पर बैंक या फिर जो है जो केंद्र की बात की. चलिए आगे, ग्लोबल कार्बन स्पेस इंप्लाइज द शेयर ऑफ कंट्रीज इन कार्बन एमिशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट जर्नी. ठीक बात है, इंक्रीजिंग कार्बन एमिशन, क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग इरिवर्सिबल, इसीलिए कार्बन न्यूट्रलिटी की बात है. ठीक है, ऑनरस क्लाइमेट एक्शन प्लान बाय इंडिया डिस्पाइट वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा कार्बन, लेकिन इसमें एथिक्स लेके आना है हमें. कलेक्टिव एक्शन बिल्कुल सही बात है, बॉर्डरलेस इंपैक्ट है, इंटरनेशनल सोलर साइन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम उसमें ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आप लेके आए. इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी इज अ गुड पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फाइनेंशियल हेल्थ एंड इम्पैक्ट्स, लेकिन जैसा हमने बोला ये बहुत अच्छा है, ये लाना यही है, लेकिन इसको आपको एथिकल वर्ड्स, एथिकल वोकैबुलरी के साथ लिंक करना होगा, जैसा कि पॉइंट नंबर 5 है. तो आंसर और ज्यादा स्पेसिफिक एथिकल डायमेंशंस को हाईलाइट करेगा, वो ज्यादा एनवलप बनाएंगे रादर देन यू नो दीज टर्म्स डायरेक्टली कमिंग अप. अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे देखिए वासुदेव कुटुंबकम, उसके बाद हमने बात की वर्ल्ड को हम सेगमेंट के तौर पे नहीं देखते, एक कंप्लीट रोल, जैसा हमने ऊपर ही बोला. एथिकल डायमेंशन की बात करें तो कमिटमेंट टू अ क्लीनर वर्ल्ड, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्बिशियस टारगेट्स हमने भी ऊपर बताए थे, 50% इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ठीक बात है. कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ऊपर लिखा है, लेकिन आइडियाज ऑफ द शेयर वर्ल्ड, ट्रस्टीशिप मॉडल बाय गांधी जी, डिमांड फॉर 1 ट्रिलियन फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू हेल्प रीच, इन्वायरमेंटल एथिक्स एट द फोरफ्रंट, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्लान, FAME II की बात है, केयर फॉर नेबर्स इन द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, CDRI, IRIS प्रोजेक्ट. तो एथिकल एलिमेंट एग्जाम्पल, दैट इज द मॉडल दैट हैज बीन सीन हियर. लीडरशिप डिस्प्लेड इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिखा, लेकिन क्या हम उसको वैसे पुटअप कर पाए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए. नीड फॉर डेवलपमेंट, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा गोल है, पॉवर्टी एरेडिकेशन, हायर एनर्जी नीड्स, एम्बिशियस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, पॉलिसी जो हम कोल को फेस डाउन करने की बात करें, बैलेंस बिटवीन बोथ द एंड्स कैन अचीव विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आंसर आर कमिंग अप इन दिस ट्रैक, बट दे आर एक्चुअली नॉट फिटिंग लाइक अ जिगसॉ पजल, थोड़ा टाइम और लगेगा.
ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक एंड रेशनल बेसिस इन डिसीजन मेकिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट्स ऑफ द केस. वेरी सिंपल. सो जो आंसर नंबर वन जो हमने पढ़ा था उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे. कंपैशन इज गाइडेड बाय द फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी, लव अलॉन्ग विद कमिटमेंट टू डू समथिंग टू एलिविएट द पेन ऑफ सफरिंग. सो दिस इज अ बेटर लैंग्वेज, बेटर वोकैबुलरी. आवर वोकैबुलरी इज ऑल्सो इमर्जिंग, बट वी नीड टू मूव ऑन फर्दर. सो बैलेंस चाहिए, नीड फॉर बैलेंस, इंप्लीमेंट लॉ इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट. Ethical good governance also we have used, but this both letter and spirit is a good point. Making way for exception due to extreme necessity. This is what's missing in all the answers. Keeping public welfare at the top priority, as I told you. Ensure transparency and probity along with effective grievance redressal mechanism is also exactly missing the way we were writing. Maintaining procedural, can you move a bit? As well as professional integrity, this is also was there in our answers, but not in exact way. To do away with the deliberating governance deficit, हम लिख रहे थे governance model होना चाहिए, उन्होंने बोला इसको हटाने से, so it's okay. Objectivity without compassion, so same case. It's we have also used the same case. Odisha में जो धरुआ community का example है, धरिंग, I believe so. It should be. I'm not able to read it clearly, not to get benefit of clerical spelling mistakes. धारवा, it actually should be धारवा. Objectivity plus compassion में अगेन दे हैव टेकन वन अगेन एग्जाम्पल ऑफ सम कम्युनिटी जिसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का रोल बताया. आधार कार्ड एसटी कम्युनिटी को मिलना चाहिए था. कैसे पीपल ब्यूरोक्रेसी का शाज्म आप कम करेंगे. सो रीडिंग हेल्प्स, वोकैबुलरी हेल्प्स, राइट स्पीकिंग हेल्प्स, एंड फॉर दैट असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स एंड यू नो टारगेट हेल्प्स, एंड दैट इज हाउ वन कैन डू इट. यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज, थैंक यू वेरी मच. So this is the whole idea, and the goal is to bring the best with respect to understanding. So Mansi, what do you say? So I would say ki with more clarity, my jo points hai wo aane chahiye. Matlab thoda bahut clarity reflect ho rahi hai, but more clarity and the right vocabulary. That whatever work has been assigned, kindly work on that. It will definitely help. Vocabulary bina specific practice ke nahi aa sakti. Shazm, alleviation, you know, all these kind of things are to be practiced. Yeah, ऐसे नहीं आएगा जब ऐसे लिख देंगे. आंचल. सर कुछ synonyms से हम मतलब words को change कर सकते हैं, कुछ phrases लग सकते हैं. ये सारे elements मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रवेश, what do you can say? Three things: less codified, less jargon, more linked, more argumentative. Livelihood has to be enhanced in the answers by using less popular examples, जो हम newspaper से करेंगे. जैसे कि state का example last वाले answer में आया है, state के अंदर भी specific community का example उठा के ले आई, तो वो कोशिश करेंगे. Okay. Okay, Ashik. जो स्ट्रक्चर लास्ट में था वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर लाइक एथिकल एलिमेंट देन एग्जांपल डायरेक्ट आई थिंक वी शुड आई विल प्रैक्टिस दैट. प्रेरणा, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द होल एक्सरसाइज? सर लिंकिंग द एग्जांपल्स विद लाइक द व्हाट पेपर वी आर राइटिंग दैट आल्सो शुड बी इन आवर माइंड. दिस इज माय एथिकल एस्पेक्ट वाज नीडेड मोर. तो वो चीज करेक्ट. करुणा, ओके. सचिन, क्लैरिटी और वोकैबुलरी तो है, बट उसमें जो लास्ट में आंसर लिखना है ना, वो सोच पा रहा उतनी चीजों को और उनको सोसाइटी के साथ लिंक करके एग्जांपल्स को ला रहा. बेसिकली प्रैक्टिकल फिलोसफी की तरह लग रहा सर मुझे. So make sure that you are focusing and you are cooperating completely with Ashik. Divya. Connectivity के साथ clarity होनी चाहिए और बार-बार same words का इस्तेमाल ना करें, specific words vocabulary use करी जाए सर. Okay, wonderful. Thank you to all of you, and I'm sure जो भी different areas and targets for what we are working upon, if we are sincere with that, if we are, you know, putting our best effort into it, I'm sure we are going to raise the bar like the way it is happening. बहुत जगह देखो ऐसा हो गया, सेम आप सेम एग्जाम्पल लेके आ सकते हो, आप सेम तरीके से लिख सकते हो, सेम वर्ड्स भी आ रहे हैं, पर उनकी एग्जैक्ट प्लेसिंग भी सेम होनी चाहिए.
और ऐसा नहीं है कि द आंसर ऑफ द मॉडल आंसर दैट वी आर रीडिंग इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज दैट इज बीइंग रिटन इन द एग्जाम लाइक कंडीशन. आपको भी एग्जाम लाइक कंडीशन की तरह सोचना चाहिए, एंड इट वॉज रिटन इन वन गो, तो आपको तो और भी अच्छा लिखना चाहिए, देन ओनली यूल बी एबल टू रीच द लेवल वट लेवल वी आर विटनेसिंग हियर. प्लीज गो बैक टू द डिस्कशन अगेन अगेन, टेक योर ओन टाइम, रिवाइज देम विद योर ओन स्पीड, एंड गेट बैक फॉर एनी डाउट्स. थैंक यू वेरी मच, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट.